ये 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन है। ये DIY प्रोजेक्ट्स या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। ये 25 वाट का ब्रांडेड सोल्डरिंग आयरन है। अगर आप रेगुलर सोल्डरिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये 90 वाट का सेम इसके जैसा ही ब्रांडेड सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन ये 90 वाट का है। सोल्डरिंग आयरन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है और आप उसे सबसे सस्ते में कहाँ से खरीद सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे अनोखे सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सोल्डरिंग आयरन लेटेस्ट है मार्केट में और ये काफ़ी यूजफुल है। ये आपके सोल्डरिंग के काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और हर हफ्ते न्यू इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए। आपका सोल्डरिंग का काम सही से हो, इसके लिए आपको सही सोल्डरिंग आयरन चूज करना होगा। सही सोल्डरिंग आयरन चूज करने के लिए आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है सोल्डरिंग आयरन का वैटेज। सोल्डरिंग आयरन 15 वाट से लेकर 90 वाट के बीच में आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको वन टाइम प्रोजेक्ट बनाना है या DIY प्रोजेक्ट बनाना है तो आपके लिए 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन सबसे बेस्ट है और ये काफ़ी सस्ता भी आता है। अगर आप मदरबोर्ड्स या LCD LED TV के पार्ट्स रिपेयर करते हो तो आप 60-90 वाट के सोल्डरिंग आयरन खरीद सकते हो। ऐसे पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए हीट कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए होती है, इसके लिए 60-90 वाट का सोल्डरिंग आयरन बेस्ट है। अगर आप मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग करते हो तो आप 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन ही यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन के बोर्ड्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं और ज़्यादा हीट की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, इसके लिए 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन ही बेस्ट है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर। सोल्डरिंग आयरन के टेम्परेचर में 3 बेसिक सेटिंग्स आते हैं। पहला बेसिक या नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन, ऐसे सोल्डरिंग आयरन्स में हम टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, इसका टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम से सेट होता है। दूसरा है मैनुअल सोल्डरिंग स्टेशन। मैनुअल सोल्डरिंग स्टेशन में आपको एक नॉब मिलता है जिससे आप उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो, लेकिन इसके सोल्डरिंग आयरन के टिप पर टेम्परेचर सेंसर नहीं होता है, इसकी वजह से आपको एक अंदाजे से टेम्परेचर सेट करना होता है। तीसरा है डिजिटल सोल्डरिंग स्टेशन। डिजिटल सोल्डरिंग स्टेशन ऑटोमेटिक होता है, आप इसके डिस्प्ले पर एक बार जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो वापस सेम टेम्परेचर पे आ जाता है और वही टेम्परेचर बैलेंस करता है। इसके टिप पर टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से ये ऐसा होता है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सोल्डरिंग आयरन का टिप का साइज और शेप। आप वही सोल्डरिंग आयरन लें जिसके टिप का साइज आपके बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है। सोल्डरिंग आयरन के टिप का साइज थर्मल मास का 60% होना चाहिए। अगर आपके बोर्ड के हिसाब से सोल्डरिंग आयरन के टिप का साइज बड़ा है तो वो ओवरहीट हो जाएगा और आपके बोर्ड को डैमेज कर देगा, और अगर आपके टिप का साइज आपके बोर्ड के हिसाब से छोटा है तो वो ठीक से हीट नहीं होगा। चिजेल टिप का एंड काफ़ी मोटा होता है। अगर आपने सोल्डरिंग अभी शुरू की है और आप इसमें नए हो तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप चिजेल टिप का ही यूज़ करें। कोनिकल टिप का एंड काफ़ी शार्प होता है। अगर आपको सोल्डरिंग बहुत अच्छे से आती है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको कौन से सोल्डरिंग आयरन चाहिए, पर ये सोल्डरिंग आयरन सबसे सस्ते में आएंगे कहाँ से? इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रेकमेंड करूंगी जहाँ पे आपको सभी प्रकार के सोल्डरिंग आयरन काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको गूगल पे nevonexpress.com सर्च करना है, सोल्डरिंग के सेक्शन में से सोल्डरिंग आयरन पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सोल्डरिंग आयरन काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, जो कि शुरू होता है सिर्फ 75 रुपये से। सोल्डरिंग आयरन खरीदने के लिए आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, कार्ट पे जाके सोल्डरिंग आयरन परचेज करना है। सोल्डरिंग आयरन के साथ साथ अगर आपको सोल्डरिंग एसेसरीज या सोल्डरिंग स्टेशन चाहिए तो वो भी आपको इस वेबसाइट पे काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। इस वेबसाइट का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे अनोखे सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताती हूँ जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सोल्डरिंग आयरन काफ़ी यूजफुल है और ये आपके सोल्डरिंग के काम को काफ़ी आसान कर देते हैं, और ये सोल्डरिंग आयरन आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं। ये गन टाइप सोल्डरिंग आयरन है, तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करके देखते हैं।
ये सोल्डरिंग आयरन का रोलर है जिसपे सोल्डरिंग वायर लगती है और इसको गन के पीछे कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ट्रिगर प्रेस करने पे वायर अपने आप आगे जाती है। इसके लिए हमें दूसरे हाथ में वायर पकड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम इसका ट्रायल करके भी देख लेते हैं। हमारे पास कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं और एक पीसीबी है। हम इन कॉम्पोनेंट्स को पीसीबी पे सोल्डर करेंगे। ट्रिगर प्रेस करने पे वायर मेल्ट होकर अपने आप आगे आती है। ये हमारे सोल्डरिंग के काम को काफ़ी आसान कर देती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होने पर ये आपके काम को काफ़ी आसान कर देगी। 80 वाट का SMD सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन बहुत ही छोटे कॉम्पोनेंट्स को सोल्डर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन 180 डिग्री से लेकर 480 डिग्री के टेम्परेचर वेरिएबल में आते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हुआ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।